हेलो दोस्तों, मैं हूं इंडियन स्पोर्ट्स गेमर और स्वागत है आपका बिल्कुल नए एपिसोड में। और हम यहां पे बात करने वाले हैं प्लेस्टेशन 5 के कंट्रोलर की। यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्लेस्टेशन 5 का नया कंट्रोलर। और अगर आपको पता होगा दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, और अगर आप गेमिंग फैन हो तो आपको पता होगा कि साल के एंड में PS5 प्लेस्टेशन 5 आ रहा है। और अभी तक तो कुछ डिले नहीं किया है, पता नहीं ऑफिशियल रिलीज डेट क्या है, पर अभी के शेड्यूल के हिसाब से नवंबर दिसंबर में PS5 लॉन्च होना चाहिए। तो अभी तक बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे, लीक इमेजेस थे, पर ऑफिशियल सोनी भाई ने कुछ रिवील नहीं किया था। कोई कंसोल के इमेज नहीं दिखाए थे, कंट्रोलर के इमेज नहीं दिखाए थे। तो यहाँ पे उन्होंने उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे पहला ट्वीट किया है कि अ फर्स्ट लुक एट ड्यूअल सेंस, जो कि नया नाम है, अभी तक ड्यूअल शॉक 1, 2, 3, 4 था, पहली बार नाम चेंज किया है, ड्यूअल सेंस बोला है। तो ये है ड्यूअल सेंस का पहला इमेज। और देखते दोस्तों, ऐसे देखा है तो बहुत सिमिलैरिटीज़ है जो ड्यूअल शॉक 4 या उसके पहले कंट्रोलर था उसमें और इसमें, पर देखते अभी चेंजेस क्या है। तो पहले हमने बोला कि नाम तो चेंज हुआ है ड्यूअल सेंस, और जो दूसरा मेन चेंज दिख रहा है वो है लाइट में। तो अगर दोस्तों आप देख रहे होंगे, तो जो ड्यूअलशॉक 4 का लाइट था वो आगे आता था कंट्रोलर के, यहाँ पे वो साइड में आ रहा है उसके कंट्रोल पैड पे। जो मेन 4 बटन्स है, ये साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम है, जॉयस्टिक का पोजीशन सेम है। हालांकि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक दिया है कंट्रोलर को, ऐसे लग रहा है कि कंट्रोलर शायद और 5-6 साल बाद जैसे अगर अपना नॉर्मल टेक दिखेगा वैसे दिख रहा है। तो वो अच्छी बात है, वो मुझे अच्छा लगा। और पहली बार ये एक वाइट कंट्रोलर बना है। अभी तक ने आपने देखा होगा तो सोनी के सब कंट्रोलर्स का मेन कलर ब्लैक होता था, और फिर वो नए नए अलग अलग कंट्रोलर्स बनाए थे। इस बार पहली बार उन्होंने एक वाइट कंट्रोलर जो उनका बेस मॉडल रहेगा वो रहेगा। तो इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या सोनी का जो PS5 होगा वो भी वाइट कलर बेस्ड होगा। तो आई होप कि ब्लैक कलर में मिले, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ़ द लोगों को भी ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। आप मुझे कमेंट में लिखिए दोस्तों कि आपको ब्लैक कलर, डार्क कलर ज़्यादा पसंद है या वाइट, ये ऐसा दिख रहा है वो पसंद है। तो अभी इसके साथ उन्होंने एक लिंक भेजा था, मोर डिटेल्स एंड इमेजेस, तो देखते हैं क्या है वो। तो यहाँ पे प्ले स्टेशन ब्लॉक पे आए हम, और यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूसिंग ड्यूअल सेंस न्यू वायरलेस गेम कंट्रोलर फॉर प्ले स्टेशन 5। और ये देखो थोड़ा और जूम्ड इन लुक उस पर, और देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो मैं पूरा पढ़ने नहीं वाला हूँ, बेसिक आपको एक ब्रीफ दूंगा, समरी दूंगा क्या लिखा है। तो उन्होंने बेसिकली कहा है कि उनका जो कंट्रोलर है वो मेन डिज़ाइन अभी फिनिश हो गया है, और उन्होंने शिपिंग करना चालू किया है। जो कि गेम डेवलपर्स है, जो गेम को डेवलप करते हैं, उनको भेजना चालू किया कि भाई ये कंट्रोलर है, इसके हिसाब से आपको जो फीचर्स बनाने हैं गेम के लिए वो बनाना चालू कर दो। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि ये डिज़ाइन अभी फाइनल हो गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो फिर आगे बात कर रहे कि जब 2013 में उन्होंने ड्यूअलशॉक 4 बनाया था तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले थे, तो अभी इतना अच्छा बनाया था तो उसको बेटर कैसे किया जाए। तो अभी आगे जो पैराग्राफ्स होंगे उसमें उन्होंने दिखाया कि क्या नए फीचर्स हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि वी कंक्लूड द सेंस ऑफ टच विद इन द गेम प्ले मच लाइक ऑडियो हैजन बीन अ बिग फोकस। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाया था भी उसमें भी बात किया था कि इस बार जो कंट्रोल रहेगा उसमें मेन जो एडिशनल फीचर्स होंगे वो रहेंगे हैप्टिक फीडबैक। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें आगे भी लिखा है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, रेसिंग गेम खेल रहे हो और आप मड में जा रहे हो, तो आपको वो अलग फील आएगा कंट्रोलर में। अगर आप शूटिंग कर रहे हो और आप L2, L1, R1, R2 ट्रिगर्स दबा रहे हो, तो उसमें फीडबैक रहेगा जिससे आपको वो वेट फील होगा, वो ज़्यादा फील कर पाओगे आप जो एनवायरनमेंट होगा उसको आपके कंट्रोलर में। तो वो मेन चेंज है, और इसके लिए अभी जो ये चेंजेस लाए गए उससे जो कंट्रोलर का वेट था वो भी बढ़ रहा था। तो वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है कि कैसे उसको ज़्यादा हैवी ना बनाए। तो उसके लिए उनको थोड़े चेंजेस करने पड़े, इसलिए डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज है। बैटरी भी उन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, जो रिचार्जेबल बैटरी है
आई थिंक ड्यूएल शॉक 4 जो PS4 का कंट्रोलर है उसमें आई थिंक 6 घंटा विदाउट चार्जिंग जा सकते हो, तो आई होप इसमें और ज़्यादा बढ़ाया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो स्लो ग्रिटीनेस है ऑफ ड्राइविंग अ कार थ्रू मड वो आपको फील होगा। फिर अगर आप बो को ड्रॉ कर रहे हो एरो के लिए तो आपको वो L2 और R2 दबाओगे तो आपको वो टेंशन फील होगा। तो एक्साइटिंग है, अभी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, देखते गेम में कैसा फील होता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज़ के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये फीचर्स कैसे होने वाले हैं। फिर आगे लिखा है कि अडेप्टिव ट्रिगर्स है, जो मैंने अभी बात किया कि L2 और R2 बल्क की फीलिंग होगा, आप फील करोगे तो उसको अडेप्टिव ट्रिगर्स कह रहे हैं। तो दो चेंजेस, अडेप्टिव ट्रिगर्स और हैप्टिक फीडबैक। और फिर उन्होंने और एक चेंज किया, जो 4 में उन्होंने शेयर बटन डाला था, वो बहुत प्राउड है वो शेयर बटन के लिए। उनका कहना है कि वो बहुत ही अहेड ऑफ द टाइम था, तभी इतना शेयरिंग का ये नहीं था, पर उन्होंने वो बटन ऐड किया था। तो अभी उसको इम्प्रूव कैसे करें, तो अभी उन्होंने शेयर बटन निकाल दिया और उसके जगह पे क्रिएट बटन डाला है, जो कि और एडिशनल अपग्रेडेशन होगा और बेटर होगा पहले वाले बटन से। पर उसके बारे में डिटेल्स नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि अगर आपको डिटेल्स जानने होंगे तो वेट करो, रुको, तो रुकते हैं भाई, हमें क्या जल्दी है। और उन्होंने माइक्रोफोन में भी इम्प्रूवमेंट किया है, यहाँ पे अभी बिल्ट इन माइक्रोफोन डाला है, तो अगर आपको इमिजिएटली किसी के साथ बात करना होगा तो आप अपने कंट्रोलर से ही बात कर सकते हो। अभी तक वो पॉसिबल नहीं था, आप सुन सकते थे पर बात करने के लिए आपको माइक जोड़ना ज़रूरी था, अभी आप डायरेक्टली कर सकते हो। पर आगे उन्होंने लिखा है कि वो अगर वो थोड़े समय के लिए ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए ठीक है, पर अगर आपको लॉन्गर टाइम के लिए करना होगा तो आपको माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली उनका कहना है इनडायरेक्टली कि भाई उसके लिए एक्सपेक्टेशंस आप लिमिटेड रखो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि वो साउंड क्वालिटी अच्छा रहेगा। माइक इम्पॉर्टेंट है, हेडसेट इम्पॉर्टेंट है, पर वो ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे एक दूसरे एंगल से आपको इमेजेस दिख रहे हैं, जो ट्रिगर्स है वो देखो थोड़े अलग लग रहे हैं। आई थिंक थोड़े ज़्यादा उसमें डिस्टेंस बढ़ाया गया, ऐसे लगता है कि शायद वो थोड़े हैवी भी हो सकते हैं प्रेस करने के लिए। और जो बटन्स है अप डाउन लेफ्ट राइट, उसका भी थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है, तो उन्होंने उसको 2-टोन डिज़ाइन किया है, वाइट एंड ब्लैक। और फिलहाल अभी ये एक ही डिज़ाइन रहेगा, पर होपफुली वो ब्लैक और बाकी कलर्स में भी डिज़ाइन निकालेंगे, क्योंकि अच्छा दिखेगा भाई, ब्लैक में अच्छा दिखेगा। आप जा सकते हो ट्विटर पे, ऑलरेडी लोगों ने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बनाया कि ब्लैक कैसे दिखेगा, रेड कैसे दिखेगा, ब्लू कैसे दिखेगा, तो आप वो चेक कर सकते हो। और एंड में उन्होंने कहा है कि वी वॉन्ट गेमर्स टू फील लाइक द कंट्रोल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ देमसेल्स व्हेन दे आर प्लेइंग। तो बेसिकली उनको एक कैरेक्टरिस्टिक बनाना है वो कंट्रोलर का, कि सिर्फ आप खेल रहे हो तो ऐसा नहीं कि हाथ में कुछ आपके है, आप जो खेल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्वॉर्ड फाइट खेल रहे हो तो वो कंट्रोलर आपको स्वॉर्ड का फील देना चाहिए। अगर आप गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हो, एक्स थ्रो कर रहे हो, तो आपको फील आना चाहिए कि वो कंट्रोलर आपका एक्स है। वो उनका बेसिक मोटिव यहाँ पे लग रहा है, एंड आई होप वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो कंट्रोल में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आए हैं PS3 के बाद, PS3 और PS4 में बहुत कम इम्प्रूवमेंट्स थे, तो यहाँ पे एक बड़ा इम्प्रूवमेंट लाने जा रहे हैं। पर ये थियोरेटिकल हुआ अभी तक, एक्चुअल प्रैक्टिकल देखते कैसे होता है दोस्तों। तो ये था PS4 सॉरी PS5 का ऑफिशियल कंट्रोलर, आई होप आपको पसंद आया होगा। और बाकी भी प्ले स्टेशन न्यूज़ के लिए दोस्तों, प्ले स्टेशन 5 और बाकी न्यूज़ के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, क्या आपको ये डिज़ाइन पसंद आया, नहीं पसंद आया, और कुछ करना चाहिए था, डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए था, कलर डिफरेंट चाहिए था, नीचे कमेंट में लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सब प्ले स्टेशन 5 की न्यूज़ आपको यहाँ पर जल्द से जल्द मिलेगी, वो भी हिंदी में। तब तक के लिए मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट्स गेमर, बाकी वीडियो चेक करो, शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पर।